লোকসভাত আজি জম্মু আৰু কাশ্মীৰ পুনৰগঠন সংশোধিত বিধেয়ক 2021 গৃহীত হয়। এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে সৰ্বভাৰতীয় অসামৰিক সেৱাৰ সৈতে AGMUT-ৰ লগতে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ কেডাৰসকলক একেলগ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই বিধেয়কখন ইতিমধ্যে ৰাজ্যসভাত গৃহীত হৈছে। বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত হোৱা আলোচনাৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে NDA চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত জম্মু আৰু কাশ্মীৰত পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হয়। তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে জম্মু আৰু কাশ্মীৰক আত্মনিৰ্ভৰ কৰিবৰ বাবে আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে একেৰাহে কাম কৰি আছে। এই বিধেয়কখনৰ সৈতে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্য মৰ্যাদাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলিও গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। আজি কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ অন্তত লোকসভা অহা 8 মাৰ্চলৈকে স্থগিত ৰখা হয়। देश के अच्छे बने हुए कानून दहेज के लिए कोई कानून नहीं था और आप हमें समझा रहे हो कि 370 को क्यों हटाया। मान्यवर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लगभग 26,319 विस्थापित और 5,300 विस्थापित जो युद्ध के समय आए, छंब के 10,065 विस्थापित, पश्चिमी पाकिस्तान के 5,764 विस्थापित, कश्मीरी प्रवासी जिसको बहुत संवेदना के साथ अपने अधिरंजन जी बता रहे थे, 44,000 कश्मीरी पंडित, मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि यही नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों को, हर परिवार को राहत कार्ड जिसके पास है उसको 13,000 रुपया हर महीना सरकार देती है। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए, कांग्रेस का शासन था, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई इसलिए विस्थापित, अपने देश में ही विस्थापित होकर रह गए। इनको 13,000 हम निःशुल्क राशन देते हैं। पुनर्वास के अंक के रूप में कश्मीर घाटी में 3,000 नौकरियां दे दी गई है, 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है और ये 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त।